एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिषेध। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए, इनमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, जिसमें 5 प्रकार के रिटों का उल्लेख है। यानी हमारी सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। हमने अपने पूर्व की क्लास में पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर उत्प्रेक्षण और आज प्रतिषेध की चर्चा करेंगे। प्रतिषेध है क्या? प्रतिषेध में और उत्प्रेक्षण में अंतर क्या है ये भी बताएंगे, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें और इसको हम विस्तार से बताते हैं। ये है क्या, अच्छे से समझने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमसे समझें प्रतिषेध है क्या। प्रतिषेध है क्या कि जब भी कोई निचली अदालत किसी वाद में उसकी कार्यवाही चल रही और उस कार्यवाही चलने के दौरान वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही, यानी अभी वाद चल रहा है, निर्णय नहीं हुआ है, वाद चल रहा है, लेकिन वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, तब सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 से यह आदेशित करेगी कि वह तत्काल प्रभाव से इस वाद में कार्यवाही को रोके और इस वाद को सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित करे। अब अंतर क्या है उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध में? उत्प्रेक्षण में उल्लंघन होगा, वाद में उल्लंघन होगा अधिकार क्षेत्र का, किंतु उसमें निर्णय हो चुका होगा, जबकि जो प्रतिषेध है प्रतिषेध में निर्णय अभी चल रहा है, वाद चल रहा है, निर्णय हुआ नहीं है। यानी कि प्रतिषेध में निर्णय हुआ नहीं है, वाद चल रहा है, जबकि उत्प्रेक्षण में वाद का निर्णय हो चुका। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। यानी प्रतिषेध के वाद में सर्वोच्च न्यायालय यह आदेशित करेगा इस वाद को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इस वाद को सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित किया जाए। कैसा लगा? बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि उत्प्रेक्षण जो होता है उसमें निर्णय हो चुका होता है तब हस्तांतरित करने की बात की जाती है, और प्रतिषेध में प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, यानी वाद अभी निर्णय नहीं हुआ है और तब वो कहता है सर्वोच्च न्यायालय कि इसको हमारे पास हस्तांतरित करो और इस बात को यहां बंद करो। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।